प्रदेश प्रशासन अपनी कामयाबी के किस्से सुनाते नहीं थकता और प्रशासन की कार्रवाई के चर्चे अखबारों में इश्तिहार के रूप में छपते रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो माजरा कुछ और ही है। बात उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटे तहसील बख्शी के तालाब की है, जहां लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की गाड़ियां दिन रात पेट्रोलिंग पर फर्राटे भरती हैं। योगी सरकार की इसी पुलिस के नाक के नीचे से चोर एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से लगभग 10 लाख का माल ले उड़े। पीड़ित अंबु सिंह ने बताया, जब वह सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो पाया कि दुकान का शटर टूटा हुआ है और दुकान से एसी, फ्रिज, कूलर, गीजर, मिक्सी, टीवी व पंखे सहित 20,000 रुपए चोर उड़ा ले गए थे। पीड़ित ने उक्त मामले की शिकायत बख्शी तालाब थाने में दर्ज करवाई है। अब देखना ये है कि पुलिस कब तक मामले का पर्दाफाश करती है। बताइए जी सर, हमारी दुकान में चोरी हुई है 8 से 10 लाख रुपए की। क्या क्या चोरी हुआ सर? एसी, कूलर, फ्रिज और आरआर वायर, हाइवेल्स वायर, जितने पंखे लगे थे जी कंपनी के, हाइवेल्स के थे, उसके थे, एंकर के थे, लाइंस के थे, काफी कंपनी के ओरिजिनल पंखे थे, सब वो चले गए हैं। और गीजर भी थे, फ्रिज थी, कूलर थे और एसी भी थी, सारा कुछ हमारा सामान उड़ गया। कौन सा ताला तोड़ के चोरी हुआ है सर? सामने हमारी तीन दुकानें हैं, तीन दुकानों से बीच वाली दुकान का शटर का ताला तोड़ा नहीं गया है, शटर ही निकाला। ये सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब सर हमारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। R9 भारत के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, लखनऊ।